आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस ब्लॉग का मकसद है, आज मैं मौजूद हूँ पोटरी में सलाउद्दीन बाबा के मज़ार पे, तो आपको उनकी ज़्यारत भी करवाऊँगी और इसकी हिस्ट्री या थोड़ा बहुत जानने की कोशिश भी करूँगी। तो चलते हैं सलाउद्दीन बाबा के मज़ार पे। तो हम पहुँच चुके हैं सलाउद्दीन बाबा के मज़ार पे और ज़्यारत करेंगे, आपको भी करवाऊँगी, मेरे साथ रहिएगा। बाबा के मज़ार की ज़्यारत करेंगे और आपको भी ज़्यारत करवाएंगे। जेके औलाद ना है जेके न्याणी है बीमारी है उन जो दुआ करना कभी करना देना जात अल्लाह जी बाकी बाबा लोग पांच है वो बाबा एक सीधा खाली ना सीधा ले रहे अच्छा ये कहना ये है कि यहाँ पे वो लोग आ सकते हैं जो शादीशुदा नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनके औलाद नहीं है, बेटे सारे आते हैं। स्पेशली तो कौन से लोग हैं? हां, वो स्वामी जो आए वो सवाल ये करते हैं, औलाद नहीं है, जिसका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बच्ची की शादी करानी है, बीमारी। अच्छा अच्छा, और ये बहुत पुरानी एक मज़ार है और यहाँ पे आके आप अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। और बाबा ने आपको बताया कि ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आने के लिए, कोई ख़ास वजह नहीं है। लोग कहते ज़रूर हैं पर ऐसा कुछ है नहीं है। सही बाबा, वजह बहुत है बेटा, इसके बाद माल नहीं है। हाँ, माल भी दिलाता है। अच्छा, बाबा का कराची लेते थे 1 रुपया भी जेब में नहीं होता था। हाँ, हाथ डालता था खाली मोटी नोट। अच्छा, ये जो बाबा थे सकी सलाउद्दीन बाबा, इनकी जेबें खाली होती थी और जब भी वो जेब में हाथ डालते थे तो उनकी जेब से सिक्के निकलते थे। सिक्के निकलते थे, नोट भी निकलते थे। अच्छा, सिक्के भी निकलते थे और नोट भी निकलते थे। तस्वीर का ये सिलसिला आगे होंगे खाना है। ये अंदर इसके अंदर है वाशरूम है यहाँ भी जे तो
ये थी ज़्यारत कोटरी बाबा सलाउद्दीन की दरगाह की ज़्यारत। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।